इतना काम करो कि तुम्हारा नाम बन जाए, और एक दिन इतना नाम करो कि तुम्हारा काम बन जाए। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम ही काफी है, लेकिन क्या वो नाम एक दिन में बना है? नहीं, जी नहीं। आज हम बात करेंगे कि आप अपने नाम को कैसे बनाओगे, हाउ टू डेवलप योर पर्सनल ब्रांड एंड बिकम अ लीडर। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 7 मैजिकल वेज टू क्रिएट योर ब्रांड। ये सब मैं किताब से पढ़ के नहीं दे रहा हूँ, दिस हैज बीन डन बाय मेनी पीपल जिनको आप जानते हो, जिनकी पर्सनल ब्रांड टॉप क्लास है। लेट्स गो एंड लर्न दोज। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्लियर विजन एंड मिशन। जी हाँ, आप क्या करना चाहते हो, मतलब आपकी विजन क्या है? आप कुछ काम तो करते हो, राइट? यू आर डूइंग समथिंग। व्हाट इज योर टारगेट? आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने। आप ऐसा क्या वैल्यू दे रहे हो लोगों को? क्या दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप? यस, यू हैव योर सर्विस, यू हैव एनी प्रोडक्ट, कुछ तो आप करते हो, राइट? अच्छा, आप सैलरीड में हो, डोंट वरी। अगर आप सैलरीड में भी हो तो आप तो कुछ काम करते हो भाई। आप बैंक में काम करते होगे, आप किसी ऑफिस में, मॉल में कहीं तो काम करते होगे, राइट? तो आप दे क्या रहे हो लोगों को? कुछ वैल्यूज दे रहे हो, राइट? तो ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो? मैं कोई नहीं हूं आपके लाइफ में, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप ये मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? बिकॉज आई एम गिविंग वैल्यूज। यस, मैं वैल्यू दे रहा हूं लोगों को, और शायद इसीलिए हर मंथ 2000 से भी ज्यादा लोग हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। आई बिलीव कि आपने हमारा वर्कशॉप लाइव अटेंड किया है। नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डेफिनेटली हमारे 5-day वर्कशॉप को ज्वाइन करना, ठीक है? लेट्स कम बैक। सो एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस साल तक, एक टाइम रखिए कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस टारगेट। विदाउट टारगेट वी कैन नॉट ग्रो इन आवर लाइफ। ये चीज दिमाग में रखें। आप कोई भी हो, यू आर वर्किंग, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू शुड हैव अ गोल। मुझे ये अचीव करना है विद इन 1 year, विद इन 6 months, और वो गोल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे, फटाक से आप बोल सकते हो। इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल। यस, जो भी मिले, आपका दोस्त मिले, कस्टमर मिले, कोलीग मिले, कोई भी मिले, हमेशा पॉजिटिव बातें करो, इंस्पायर करो। आपको इंस्पायर डायरेक्टली नहीं करना है, इनडायरेक्टली लोग आपको देख के इंस्पायर हो जाएंगे। हमेशा स्माइल करो, हमेशा एक पॉजिटिव एम्बियंस अपने पास रखो। कस्टमर से मिलने जा रहे हो, सेल्स हो या ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और अगर कोई इंसान हमेशा स्माइल करता है ना, पागल नहीं है, उसके दिमाग में कुछ तो ऐसे वैल्यूज हैं जो उन्हें इतना पावर देता है। हैव वैल्यूज एंड बी एथिकल। एब्सोल्युटली राइट, बी एथिकल। वैल्यूज लेके चलिए लाइफ में, नो वैल्यूज नो लाइफ। पता है प्रॉब्लम कहां पे होता है? प्रॉब्लम तब होता है जब लोग अपने वैल्यूज के साथ मैनिपुलेट करते हैं। लोगों को पता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए ना झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसे 4 वैल्यूज हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत मानता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। हैव इंटेग्रिटी। जी हाँ, डू व्हाट इज राइट, जो भी हो जाए, डू व्हाट इज राइट। हैव डिग्निटी। जी हाँ, हैव डिग्निटी, कुछ भी हो जाए, अपने इज्जत को हमेशा मेंटेन रखना। कभी मत बोलना कि मैं नहीं कर सकता, बिकॉज व्हेन यू से यू कांट डू इट, यू इंसल्ट योरसेल्फ। नंबर 3 इज एम्पथी। लोगों को समझो, लोगों के लिए कुछ करो, लोगों को सुनो, और जब सुनो तो कोशिश करो क्या आप उससे हेल्प कर सकते हो। एंड फाइनली, जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, इसको कभी मत भूलना, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, बींग हम्बल। कितने भी बड़े हो जाओ, एकदम जमीन पे रहो, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वैल्यूज। हैव एन अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप करते हो, आप सर्विस में हो, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, जॉब में हो, सैलरी में हो, व्हाटएवर यू डू, योर कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। इट्स नॉट अबाउट ओनली लैंग्वेज, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू आर स्पीकिंग एंड मेकिंग दैट पर्सन फील। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेस माइंडसेट से बात करो, सेल्फलेस। ये हमने देखा है कि जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट लेता है, हम उनके साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, और जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं लेता, हम अच्छी सर्विस उसे नहीं देते हैं। ये नहीं चलेगा। कोई भी कस्टमर हो, यू विल गिव योर बेस्ट।
मेक योर कंपनी द बेस्ट प्लेस टू वर्क। जी हाँ, अपने प्लेस को, अपने कंपनी को बेस्ट प्लेस बनाओ। जी हाँ, अगर आप सैलरीड में हो तो कभी मत बोलना आई एम नॉट हैप्पी इन दिस जॉब। इट स्प्रेड्स नेगेटिविटी। इससे आपका पर्सनल ब्रांड तो कभी नहीं बनेगा, एब्सोल्युटली ना। कुछ काम ज्यादा क्या आ गया, आप लोगों को बोलने लगे कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा। जो लोग पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। बी अ डिसाइसिव पर्सन। जी हाँ, डिसीजन लेना सीखो। अगर आपको लग रहा है कि ये डिसीजन अच्छा होगा तो डरो मत, आगे बढ़ो। क्या होगा अगर गलत होगा? तो एक्सपीरियंस होगा, लॉस होगा, लेकिन बहुत बड़ी सीख होगी। डिसीजंस लो, सही डिसीजंस कभी किसी को पता नहीं चलता, इट इज राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन। दे टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डिसीजन मेकर, रिमेंबर दैट। फोकस ऑन कस्टमर। फाइनली सब कुछ कस्टमर है। कस्टमर हमें बनाती है, कस्टमर हमें बिगाड़ती है, कस्टमर हमारे नाम को टॉप पोजीशन में ले जाती है, कस्टमर हमारे नाम को नीचे ले आती है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप IDQ वैल्यू एडेड अकेडमी को जरूर देखना, वहां पे बहुत लोग बहुत कुछ पोस्ट करते हैं, कभी कभी कुछ नेगेटिव पोस्ट भी आते हैं। यस, मैं नहीं कहता कि हम नेगेटिव पोस्ट नहीं मिलता हमें, बट वी करेक्ट आवर सेल्फ, एब्सोल्युटली वी टॉक टू द कस्टमर, we correct our mistake. अगर मेरी मिस्टेक नहीं भी है, we go to the customer, we say we are extremely sorry sir, but ये हम नहीं कर सकते, ना भी बोलना पड़ेगा आपको, लेकिन प्यार से, because customer is everything. अच्छा product बनाओ, अच्छा service दो, कुछ भी हो जाए, result मिले या ना मिले, ये 7 points को कभी मत भूलना, और इस 7 points को कभी अपने से दूर मत करना, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, अपने लाइफ को इनको दे दो, ये सारे पॉइंट्स को दे दो, और उसके बाद देखना आपको सब जानेंगे। ऑल द बेस्ट।